दस मुहर्रम के दिन जो अलम बीवी जो हर साल 1 बजे उठते हैं उसके 10:30 से 11 बजे जो उठे सारी पब्लिक बोल रही कि ये बेटम क्यों उठाए, आप अपनी मर्जी से उठाए या जो है ना किसी के कहने पे जल्दी उठाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अलमदद अब्बास अलमदद, मैं मीर खमर हसन रजवी मुजावर अलमबरदार अलम बीबी व नाल मुबारक कलां पत्थरगट्टी हैदराबाद हेरिडिटरी नवी जनरेशन में काम कर रहा हूं मैं, ये सुन लीजिए आप। कुतुबशाही दौर से मेरा सिलसिला आज तक भी मौजूद है। मैं आपको उसकी तफसील भी बता देता हूं कि मेरे जो पहले दादा थे खान अली, मोहम्मद अली, बंद अली, ये सनद होल्डर थे जिसकी कुतुब शाह के पास सनद मौजूद है, कुतुब शाह के सनद मौजूद असनादात। उसके बाद मोहम्मद अली बंद अली के बाद खान अली, मोहम्मद अली, बंद अली, मीर सिकंदर अली, मीर जुल्फ़ार अली, मीर आगा हुसैन, मीर इमदाद हुसैन, मीर मोहम्मद हसन मेरे वालिद का नाम, जो मेरे वालिद 1947 से 1995 तक खिदमत करे। 47 में उनके वालिद मीर इमदाद हुसैन का इंतकाल हुआ और मेरे दादा परदादा मीर आगा हुसैन 1970 से 1925 तक खिदमत करे। 25 में उनका इंतकाल हुआ, उसके बाद मेरे दादा 25 से 47 तक करे, फिर मेरे बाबा 47 से 95 तक करे, अब मैं 96 से अब 2020 में दाखिल हो गया। अपन तो इतने साल से खिदमत कर रहा हूँ, ये हिस्ट्री मैं आपको इस वास्ते बता रहा हूँ, ये 450 साल पुराने अलमे मुबारक, चाहे वो आप जहाँ बैठे हैं नाले मुबारक हो या बीबी का आलम हो, ये दो ही गश्त है जो हैदराबाद का मुहर्रम मशहूर है। बम्बई की दिवाली, मैसूर का दशहरा, हैदराबाद का मुहर्रम। हमारा जो हैदराबाद है, शहर हैदराबाद, शहर विला जो कहा जाता है, ये मोहम्मद खुली कुतुब शाह ने यानी अपने दौर में वो उन्होंने जो है खिला गोलकुंडा हुआ करता था उसको कहा जाता था मोहम्मद नगर बरगंदा हवेली, इसको कहते थे अतराफ बल्दा। ये हैदराबाद चार मीनार के साथ बादशाह चुलखाना, ये पहले खिले में इस्ताद होते थे, उसके बाद इधर शिफ्ट किए इसको। तो जब से जो है ये चले आ रहा है 1647 से ये सिलसिला, ऐसे कई टाउन आया, प्लेग आया, ये कोविड-19 आया 1992 में, 1920 में आया, तो ये ऐसे कई आए कई चले गए, मगर ये मुहर्रम को कोई फ़र्क नहीं पड़ा। ये मुहर्रम जैसा होता है, जो टाइम पे होता है वही टाइम पे हुआ। अब चूंकि ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने गाइडलाइंस पास किया कोविड-19 की, वो गाइडलाइंस आप सब लोगों को मालूम है, उसी को कापी वक्फ बोर्ड ने किया, यहाँ की अपनी तेलंगाना गवर्नमेंट के वक्फ बोर्ड ने किया, उसके हिसाब से हमको उसमें भी छूट रही, सो सुन लीजिए आप, हमको रिचुअल राइट्स कैन बी डू इट बोल के हमारे 7-8 आइटम है। तो हमारे को जो मदाखलत हुई है ये, अब 10 मुहर्रम की जो आप बात पूछे, चूंकि मैं ये दोनों काम मैं ही अंजाम देता हूँ, तो रात में ये 10 बजे अलमे मुबारक नाले मुबारक जहाँ आप मौजूद है ये खुलते हैं, सुबह 10-10:30 बजे ये ठंडे होते हैं। तो हमारे आबा व अजदाद ज़माने से ये चूंकि उन्होंने सब फिक्स किया था खुली कुतुब शाह के पीरियड में, ये बाद ज़वाल अलमे मुबारक बरामद होते हैं। बाद ज़वाल के माने ये है कि 12 के बाद ज़वाल शुरू होता है 12 के बाद, और हुजरे में से जो बाहर आते हैं फजर की अज़ान के वक़्त बाहर आते हैं, और जो ठंडे होते हैं असर तंग के बाद, यानी मतलब असर की अज़ान के बाद। तो ये सिस्टम आज का नहीं है, 450 साल का चले आ रहा है। अब ये मैं ये अलमे मुबारक यहाँ ठंडे कर रहा था, ये मुझे ये पता चला कि ऑनलाइन KTN चैनल ने डाला, ऑनलाइन देखा कि मेरे सारे मरासिम अदा हो जा रही, जैसे मिसाल के तौर पर नशान खुलना, माई मरातब खुलना, सेट के अलम खुलना, छतरी खुलना, फूल काटना, घटी काटना और तोड़ा खुलना, अब खाली अलम लेटना बाकी है। तो मैं जो है अपने बेटे को बोला कि तुम जाओ, ये बेटा वहाँ गया, तो हमारे जो ख़ानदानी मरासिम है, मैं 9वीं पुश्त में हूँ, मेरा बेटा 10वीं पुश्त में है, ये जहन में रखें आप। मैं जब वहाँ गया, बेटा जब वहाँ गया तो कोई सब हो चुका था,
80% मरासिम अदा हो चुके थे बेटा जाने से। फिर बेटा मेरे से कांटेक्ट करके पूछा कि भाई आखिर ये हो गया अब क्या करूं। तो हमको जब हैबत ये हो गई कि भाई ये भी खींच लिया तो फिर हमारा क्या रहेगा, तो हम जो है बेटा मेरा उठा लिया वहाँ से। आपके बंधन का नाम क्या है? मीर शब्बीर हसन रजवी। बेटा तो मेरा खुलने के टाइम पे मौजूद थे? खुलने के टाइम पे नहीं थे, 80% खुलने के बाद पहुँचे। आपको मैं अभी तफसील बताया ना, फिर आप खुलने का कैसा, पूरा खोने के बाद उन्होंने वहाँ पहुँचे, मैं भी जाया उनको, उन्होंने वहाँ से मेरे को फ़ोन करके पूछा कि आप करें क्या, बोला चलो तुम उठा लो। आप मौजूद नहीं थे? मैं मौजूद नहीं था, तुम उठा लो मैं आ रहा हूँ। आपकी इत्तला नहीं थी? मेरे कोई इत्तला नहीं थी क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा। मेरे को तो एक दिन कबल ये बैन किया गया था कि हम बोले वैसा सुनना, मैं बोल के आके चूँकि सुना भी नहीं, और मैं ये नाले मुबारक की अलम पैदल गश्त रहती थी इसकी, 70-80 आदमी के साथ मैं लारी पर सवार करके इसकी पूरी गश्त कराया 10 किलोमीटर की। तो मैं जब इनों गए तो इनके साथ खैर अच्छा सलूक तो नहीं हुआ होगा, खैर ये बच्चा मेरे को पूछा तो मैं बोला उठा लो तुम। जब ये उठा लेके नीचे आके 3 तवाफ़ अलावे के कर चुका था, तवाफ़ का मतलब फेरे, 3 फेरे कर चुका था, जब मैं पहुँचा वहाँ 3रे फेरे के वक्त पहुँचा, मैं ये डर गया देखिए, अरे अभी सिचुएशन कुछ भी नहीं कर सकता, आदमी की सोच समझ ख़त्म हो जाती। मैं बोला अगर मैं ये भी नहीं करूँ, मेरी उम्र है 57 साल की, अगर मैं ये ना करूँ लास्ट ईयर ना रहूँ तो ये खिदमत से मैं महरूम हो जाऊँ। मैं बोला रोको मियाँ मैं कर लेता हूँ, 2 राउंड मैं मारा। उसके बाद जब देखा एक झड़ी पड़ी लारी खड़ी हुई है जिस पर कोई एहतमाम नहीं है, बस ये लारी पर चढ़ जाओ। जबकि हमने 8 मुहर्रम से, जबकि हमको पता चला कि हाथी नहीं आ रहा, तो 8 मुहर्रम से एक लारी भी तैयार कर चुके थे, काफ़ी इसके ऊपर खर्चा करके उसको एक शक्ल बना के तैयार करते, जो मिसाल के तौर पे अगर आप लोग देखे हैं नाले मुबारक की कोई फ़ोटो है अलमे मुबारक की गश्त की तो आप देख सकते हैं, वो उसको दूसरे दिन भी वही इस्तेमाल करेंगे बोल के था। वो गाड़ी को जब्त कर लिया गया, एक टूटी फूटी गाड़ी आई, खैर उसमें सवार हुए, सवार होके चले, जगह जगह हम पे हमके ऊपर तादीदाद आए धोते गए, ये नहीं करना वो नहीं करना वो नहीं करना ये नहीं करना। नतीजतन सिर्फ हम एक काम किए हैं, एक मंजर कशी किए हैं बाबा के पास शहजादी कौनैन सलामुल्लाह अलैहा जो फरियाद करते हैं अपने बेटे की, वो फरियाद पूरी हो सकी, उसके बाद बाकी कोई काम नहीं हुआ। मस्जिद इलाही 3:05 हमको पहुँच गए। ये जो पहले जब खोले हाँ जी भाई, ये तो आपको जो खोले हैं उन्हें बता सकते हैं, मैं बता सकता हूँ ना, मेरी फैमिली बता सकती है। बिना इजाज़त के मेरी फैमिली में 2 भाई है, एक बहन ही है, इसके खिलाफ मैं कार्रवाई करूँगा, HSD निज़ाम ट्रस्ट जिम्मेदार है इसका। भाई देखो आप, मैं किसी का नाम लेना मुनासिब नहीं समझता, निज़ाम ट्रस्ट भी नहीं था, निज़ाम ट्रस्ट का कहना है तो मैं निज़ाम ट्रस्ट से ही सवाल करूँगा, क्योंकि इंतजाम पूरे उनके हाथ में है, मैं निज़ाम ट्रस्ट को पिटीशन दूंगा। अगर ये खुला कैसा, मेरे हक तलफी कैसा की गई, मैं ये सवाल उनसे करूँगा इंशाल्लाह, बात मुखफ़िल अलम बीबी, मैं ये सवाल उनसे करूँगा और सारा मैं इसको छोड़ूंगा नहीं, मैं ये जहाँ तक जाता है हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट जहाँ तक भी जाता है मैं इसके लिए तैयार हूँ। जी हाँ बिल्कुल दुरुस्त है, उन्होंने अपनी जगह नाराज़गी उनकी दुरुस्त है। और मैं आपको एक बात बताता हूँ, अगर लोगों के ऊपर ये कहा जा रहा है कि COVID-19 के खवानीन के ख़िलाफ़ वर्जी की गई, आज मुझे पता चला है कि कई केसेस बुक हुए हैं, अरे आप अपने टाइम पे खोलते तो ये सब होता ही नहीं था। आप जो है 11 बजे खोल के पब्लिक को भड़का दिया, आप पब्लिक को भड़का दिया, आप पब्लिक तो अपनी जगह सब सेट थी कि कौन काम मातम करना क्या करना, मुझे इतला है इसकी, कौन से आशुरखाने में मातम कर लेना और बाहर आ जाना, सब सेट थे, 1 बजे जाएंगे नज़र से ज़्यारत करेंगे निकल जाएंगे, ये सब था। आप 11 बजे खोलने से पब्लिक मुश्तइल हो गई, मुश्तइल पब्लिक को कोई नहीं रोक सकता, आवाम हम आवामी हुकूमत में हैं, हमको रोक नहीं सकता कोई भी। खैर पब्लिक मुश्तइल हो गई, अब उसके बाद खैर आप केसेस बुक किए, उससे होने का क्या है, केसेस तो चलेंगे, जो भी सही है वो साबित होगा। आप लंबर अमर हसन रजवी के फर्जंद हैं और वहाँ पर जब अलम के जब मौजूद थे तो आप क्या बताना चाहेंगे? देखिए आप अलम खुलते वक्त मौजूद थे कहना तो गलत है, अलम खुलते वक्त आप पहुँच गए कहीं ये बात कही जा सकती है। हाँ अगर आप मौजूदगी की बात कर रहे हैं तो
हमारे पूरे ख़ानदान की मौजूदगी नदी के मस्जिद इलाही के आशुरखाने में थी, वहाँ पे हमने हमारा इख्तियार बताया। 3:02-3 पे अलम पहुँचने के बावजूद भी हमने अलम ठंडा नहीं किया। हमने अलम तभी ठंडा किया जब असर तन का वक्त गुजरा, उसी के बाद अलम ठंडा किया और उसी के बाद वहाँ से लेके निकले। तीन बज के दो मिनट या 3 कुछ एग्जैक्ट तो याद नहीं है, लेकिन 3:05 भी नहीं हुए थे, 3 से 3:05 के बीच में जुलूस पहुंच गया। जब तक कि आप लोग वहां पर अलम लेते रहे, माशाल्लाह से जो कोविड के गाइडलाइंस थे, अंदर मंजारी से हुई, मातम खूनी मातम भी हुआ, काफ़ी 2-3 मंजारी से हुई, खूनी मातम भी हुआ वहाँ। हम लोग 5 के बाद अलम वहाँ से ठंडे करके बाहर लेके निकले। देखिए, अलम बीबी ठंडे होने का टाइम बाद असर है, तो असर की अज़ा होने के बाद ठंडा करके हम लोग वहाँ से अलम लेके निकले। नहीं थे आप, आपको मैंने पहले भी कह चुका है कि अलम खुलते वक्त पहुँचना पड़ा, बग़ैर इजाज़त के अलम खोलने की नौबत आ गई तो पहुँचना पड़ा। हुआ तो ये करता था कि सब मौजूद रहते थे, मिलकर जाके अलम खोला जाता था, जब सब मरासिम अंजाम बिना इत्तला के हो गया, पूरे मरासिम बिना इत्तला के हो गए। किसके ऊपर है आपका ये जुमा? देखिए आप, इसके ये जुलूस के ऑर्गेनाइज़र निज़ाम ट्रस्ट है। अब हम तो सवाल उन्हीं से करने वाले हैं। अब आप लोग मीडिया वाले, आप जिससे चाहे सवाल करें, जिससे चाहे पूछे, वो आपको बेहतर जवाब दे सकते। हम तो निज़ाम ट्रस्ट से ही पूछेंगे, उन्हीं से जवाब तलब करेंगे। तो गश्त किया, गश्त करना अलग बात है, मरासिम की अंजाम देही अलग बात है। बहरहाल एक चीज़ ये कह सकता हूँ कि चलिए करबला और हैदराबाद ये दो मुकाम ऐसे रहे कि जहाँ पे यौम आशूरा में शहादत इमाम हुसैन का अहतमाम हुआ, जुलूस और मातम हुआ। बस दुआ करिए इसके सदक़े में ये जो कुछ भी वबा है, तमाम तर वबा हैदराबाद से, सारी दुनिया से जल्द अज जल्द दूर हो जाए।